ये एलियन जैसे दिखने वाले जीव कौन है और उसेन बोल्ट और गिलहरी में कौन ज्यादा तेज दौड़ेगा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि अगर आपके दांत खराब हैं और आपके दांत में कीड़े लगे हुए हैं तो आप एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट धरती से उड़ने वाला होता है तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है जिसकी वजह से दांतों पर भी बहुत प्रेशर पड़ता है और अगर आपके दांत खराब हैं तो आपके दांत टूट सकते हैं। इसलिए आपके दांत मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 18, आपने देखा होगा कि इंडिया में जो कार ड्राइवर्स होते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकते ही नहीं है, पैदल चलने वाले इंसान को इंसान मानते ही नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत ही सही आइडिया निकाला गया है। आइडिया ये निकाला गया कि क्यों ना जेब्रा क्रॉसिंग को ऐसे बनाया जाए कि वो 3D लगे, ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन किया जाए और आंखों को ऐसा दिखे कि वो एक 3D जेब्रा क्रॉसिंग है जिसे देखकर कोई भी कार चलाने वाला इंसान रुक जाए और कार को धीमा कर ले। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया दिल्ली और अहमदाबाद में, जिसके बाद क्या हुआ कि कार की स्पीड स्लो हो गई और जो लोग पैदल चलना चाहते थे वो आराम से चल पाए। फैक्ट नंबर 17, अगर आप गूगल पर इल्यूमिनाटी को उल्टा लिखोगे, मतलब ITANIMULLI और उसके आगे .com लगाकर जो आप वेबसाइट खोलोगे वो खुलेगी NSA की, यानी USA की नेशनल सिक्योरिटी की वेबसाइट खुलेगी, करके देखना। फैक्ट नंबर 16, रोज YouTube पर इतना सारा कंटेंट डलता है, लेकिन कभी सोचा कि कितना सारा कंटेंट डलता होगा? YouTube पर एक दिन में 82 साल के बराबर का कंटेंट डलता है, मतलब 82 साल लंबे वीडियोस डलते हैं। फैक्ट नंबर 15, जब ये फैक्ट मैंने सुना था मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है, पहले पेड़ आए होंगे या पहले शार्क आई होंगी? लगता है ना पहले पेड़ आए होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। शार्क पेड़ों से भी पुराने जानवर हैं। शार्क समुद्र के अंदर आज से 400 मिलियन साल पहले भी थे, जबकि जो पेड़ हैं वो आज से 360 मिलियन साल पहले ही आए हैं। फैक्ट नंबर 14, बात है प्राचीन यूरोप की जहाँ पे वाइकिंग्स रहते थे। वो अपने किसी भी वेपन को बनाने के लिए क्या करते थे कि एक बहुत ही हट्टे कट्टे जानवर को मारते थे और उसकी जानवर की हड्डियों को एक लोहे के साथ मिक्स करते थे और एक खतरनाक वेपन बनाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से जो जानवर की आत्मा होती है वो उस वेपन के अंदर आ जाती है। वैसे तो ये उनका अंधविश्वास था, लेकिन अगर इसे साइंटिफिकली देखा जाए तो पता चलेगा कि जो हड्डियों के अंदर कार्बन होता है जब वो लोहे के साथ मिलता है तो एक स्टील टाइप का कुछ बहुत स्ट्रांग पदार्थ बनता है। फैक्ट नंबर 13, साल 2005 में USA के फिलाडेल्फिया में एक रिसर्च हुई जिसमें ये पता चला कि बिल्लियों के अंदर एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से बिल्लियों को मीठा क्या होता है पता नहीं चलता, चाहे वो कितना ही मीठा खा ले उनके अंदर किसी मीठी चीज को टेस्ट करने का सिस्टम ही नहीं होता। फैक्ट नंबर 12, क्या आप अपने पापा के दादा के पापा को जानना चाहते हैं? इस बात को जानने का एक तरीका है, आपको करना ये होगा कि आपको जानना होगा हरिद्वार, और हरिद्वार में बहुत सारे ऐसे पंडित होते हैं, 2500 के लगभग ऐसे पंडित हैं जिनके पूरे खानदान का हजारों साल से यही काम रहा है कि कौन से परिवार कौन से गांव से निकले, कौन से गोत्र से निकले, कौन से कुल से निकले, और ये देखना कि जो लीनेज है कि कौन किसके पापा का दादा का पापा था, ये वो पूरा मॉनिटर करते हैं। उनके पास डायरियां होती हैं जो हजारों साल से लिखी जा रही है। अब आप पूछोगे कि उनको कैसे पता कि हमारे पूर्वज कौन है? होता क्या है कि जब भी कोई इंसान मरता है उसकी अर्थियों को बहाया जाता है तो नाम नोट कर लिया जाता है, हजारों साल से ऐसा होता आ रहा है, तो उनको ऐसे पता रहता है कि कौन किसका पूर्वज है। फैक्ट नंबर 11, ये है दुनिया की सबसे अतरंगी बिल्डिंग जो एक बास्केट के शेप में बनी हुई है। ये है USA की लॉन्जा बर्जर कंपनी की जो बास्केट ही बनाती है। इस कंपनी ने सोचा कि क्यों ना अगर हम बास्केट्स बनाते हैं तो हमारी जो मेन बिल्डिंग है वो भी बास्केट के शेप की होनी चाहिए, जिससे हमारी मार्केटिंग भी अच्छी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जैसे इंडिया में स्टॉक मार्केट होते हैं जहाँ पे आप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, वैसे ही सोमालिया के लुटेरों के भी अपने स्टॉक मार्केट्स होते हैं जहाँ पे आप उन सोमालिया के लुटेरों पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो जो लुटेरे समुद्र से चीजें लूट कर आते हैं उसके प्रॉफिट पर आप अपना शेयर मांग सकते हैं। ऐसे अगर आप भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं आपको सोमालिया के लुटेरों पर पैसे इन्वेस्ट करने की, आप अपने पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपके पैसे ग्रो होंगे। और इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा मनी फ्रंट से आप म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा कितना कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है इसमें मनी फ्रंट आपकी पूरी हेल्प करेगा, जिसके लिए आपसे ना ही कोई कमीशन लिया जाएगा और ना ही कोई एजेंट फी ली जाएगी। सो म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर ग्रो करने के लिए मनी फ्रंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने देखा होगा चींटियों का जो घर होता है वो ऊपर से देखने में बहुत छोटा सा लगता है, मिट्टी मिट्टी सी होती है और उसके बीच में एक होल होता है, हमें लगता है कि छोटा सा घर बनाया हुआ है उन्होंने।
है, लेकिन जब आप उस चींटी के छोटे से घर को तोड़ोगे और उसके अंदर जाके देखोगे तो आपको मिलेगी बहुत बड़ी बिल्डिंग जो कि एक इंसान से भी बड़ी होती है। उसके अंदर बहुत सारी गलियां होती हैं, उन गलियों के अंदर चींटियों के बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, मतलब इनकी बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लेक्स कॉलोनी होती है। फैक्ट नंबर 9, आपको पता है चाइना दुनिया के छोटे छोटे देशों को कैसे कंट्रोल करता है? वो करता क्या है कि छोटे छोटे देशों को बहुत सारा लोन दे देता है बहुत ही कम इंटरेस्ट पर, जिसे देखकर जो देश होते हैं वो लेते रहते हैं और एक समय के बाद वो कर्ज में इतना डूब जाते हैं कि पैसे रिटर्न करने की उनकी दम ही नहीं होती। अभी मालदीव्स इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं क्योंकि उसने चाइना से बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया है, और ऐसी पाकिस्तान को भी चाइना कंट्रोल कर रहा है बहुत सारा लोन दे के। पाकिस्तान अभी चाइना से बहुत सारा लोन ले रहा है, लेकिन फ्यूचर में उन्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी और चाइना पाकिस्तान को ओवरटेक कर सकता है। जैसे आज से 200-300 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी दुनिया पर राज करती थी, वैसे ही चाइना के मंसूबे हैं। फैक्ट नंबर 8, ये है दुनिया की सबसे यूनिक फिश, जिसे केवल ऑस्ट्रेलिया के तटों पर पाया जाता है, जिसका नाम है पैरट फिश। ये देखने में इतनी पर्पल होती हैं और इसकी जो आंखें होती हैं वो इतनी खतरनाक लाल होती हैं, और इसके जो दांत होते हैं वो वैम्पायर्स की तरह होते हैं। ये वीडियो एक लौता ऐसा वीडियो है जहाँ पे इस फिश को देखा गया था। फैक्ट नंबर 7, बात है साल 1998 ऑस्ट्रेलिया की। हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से पायलट एक प्लेन उड़ा के जा रहा था, तभी उसने नीचे देखा कि एक बहुत ही बड़ा स्क्रिप्चर बना हुआ है जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो कलाकृति है ये बहुत साल पुरानी थी और ये कोई नहीं जानता कि ये किसने बनाई थी और क्यों बनाई थी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि जब ये बनाई गई थी तब तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो ये जिसने भी बनाई थी वो कैसे देख पा रहे थे कि ऊपर से कैसी दिखती है। फैक्ट नंबर 6, क्या होगा जब उसेन बोल्ट और गिलहरे के बीच में रेसिंग हो जाए? देखो, जो इंसान की दौड़ने की क्षमता होती है वो होती है 23 miles per hour, लेकिन उसेन बोल्ट की है लगभग 27 miles per hour। अब देखते हैं गिलहरी की स्पीड कितनी होती है। गिलहरी की स्पीड होती है 12 miles per hour, तो इसे देखते हम आसानी से कह सकते हैं कि उसेन बोल्ट आसानी से गिलहरी को हरा देंगे। फैक्ट नंबर 5, ये है 50 लाख की क्रिकेट की बॉल। इसकी इतनी कीमत इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 5 से भी ज्यादा डायमंड्स घुसाए हुए हैं। इसे गीतांजलि जेम्स कंपनी ने साल 2007 में बनाया था। फैक्ट नंबर 2, बात है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की। साल था 2017। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोग काम कर रहे थे, तभी काम करते करते उन्होंने देखा कि एक शेल्फ के अंदर बहुत ही अजीब तरीके के दो जीव खड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत चौंक गए। वहां पे सारी मीडिया आ गए, सारे लोग उससे कैप्चर करने लगे फोन पे, और पूरे इंटरनेट पे ये बात फैलने लग गई कि एलियन आ गए। लेकिन जब इसके बारे में रिसर्च की गई तो पता चला कि वो थे उल्लू के बच्चे। उल्लू के बच्चे जब छोटे होते हैं तो ऐसे इंसान की तरह खड़े होते हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये कोई इंसान की तरह एलियंस हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर हम इस पूरी दुनिया की चींटियों को एक साथ इकट्ठा कर लें और पूरे इंसानों को एक साथ इकट्ठा कर लें तो जो दोनों का वेट होगा वो लगभग बराबर होगा। लेकिन इंसान तो बहुत भारी होते हैं चींटियों से, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो चींटियों की जनसंख्या है वो बहुत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगा तो डिसलाइक करना। कुछ कहना चाहते हो पूछना तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ।